पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पार्कों के बेहतर रखरखाव के लिए शुरू की योजना। निगमायुक्त ने दी जानकारी, कहा नगर निगम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 पार्कों में नर्सरी की जाएगी विकसित। DSSSB में बढ़ती जा रही लापरवाही, पेपर में स्टूडेंट्स को बड़े घोटाले के संकेत। DSSSB के स्टूडेंट्स कर रहे कलकडुमा कोर्ट ऑफिस पर प्रदर्शन। CCN न्यूज़पेपर के 7 साल हुए पूरे, गीता कॉलोनी ऑफिस में किया गया हवन। प्रधान संपादक ने जनता का किया धन्यवाद, कहा क्षेत्रीय समस्या को लेकर आ सकते हैं कार्यालय। गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन नहीं होगा खत्म, 3 मुख्य मांगों पर अड़े किसान, सीधे किसानों से संवाद करे सरकार। EDMC में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पर लगे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। आप विधायक आतिशी ने MCD द्वारा मंदिरों में प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लगाए आरोप, टैक्स को वापस लेने की मांग। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने पार्कों के बेहतर रखरखाव के लिए नई योजना शुरू की है, जिसकी जानकारी निगमायुक्त विकास आनंद ने देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 पार्कों में PPP योजना के आधार पर नर्सरी विकसित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पार्क के 20% स्थान पर नर्सरी बनाई जाएगी, साथ ही 80% स्थान पार्क क्षेत्र में होगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित की गई विशेष शिक्षक भर्ती पोस्ट परीक्षा को रिस्पॉन्स शीट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कलकडुमा स्थित दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बोर्ड बैनर के साथ पहुंचे अभ्यर्थियों ने DSSSB के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि विशेष शिक्षक भर्ती पोस्ट परीक्षा सितंबर में हुआ था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद रिस्पॉन्स शीट अब तक नहीं आई है, जबकि ये उनका अधिकार है। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं करना एक बड़े घोटाले के संकेत है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लोग लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। आज हम सभी विशेष शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या है, अभी सितंबर माह की जितने भी एग्जाम आई उनकी पोस्ट कोड जितने भी थे, वहाँ रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है। हमारा पोस्ट कोड 32/21 आंसर की के साथ हमारी रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं की गई है, जिसमें यहाँ पारदर्शिता नहीं बरती गई है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि DSSB हमारा पोस्ट कोड 32/21 विशेष शिक्षक भर्ती का रिस्पॉन्स शीट जारी करे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और हमें पता चले हमने क्या आंसर लगाए हैं, ताकि आगे चलकर जब नॉर्मलाइजेशन होगा हमें पता रहे कि हमारे मार्क्स क्या है उस आधार पर, और पता चले कि कितने ज़्यादा हुए हैं कितने कम हुए हैं। अभी तो नहीं, अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं उनका काफ़ी टाइम से, और हम बरकरार हैं अपने आंदोलन को लेकर के, और हम ऐसे ही जमे रहेंगे जब तक हमारी किसी अधिकार से बात नहीं हो जाती है। वो अंदर हैं, वैसे अभी बोला है कि आ भी गए हैं, तो उनसे हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स का। जी, अभी तक तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती, जब तक हमें कोई जवाब, कोई एक सटीक, कोई अच्छा जवाब हमें नहीं मिलता, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। और जी देखिए, रिस्पॉन्स की हमारा अधिकार है, हम सब ने जो पेपर दिया है हमारा ये बनता है ना कि हमने क्या हमने उत्तर दिया था, हमने क्या उत्तर लगा के हम आए हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे रिजल्ट पर हम भरोसा कर सकते हैं। अभी पिछले वैकेंसी हुई थी 92/20, उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे, एक बार आप डाटा को आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कितने कम कैंडिडेट्स पास हुए हैं, आधी से ज्यादा सीटें खाली गई हैं। किसान आंदोलन खत्म होने की अटकलों के बीच किसान नेता अभी 3 मुख्य मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक इन मांगों पर विचार नहीं करेगी, तब तक आंदोलन खत्म होने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही किसानों का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे पूरी तरह से वापस हो। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की हुई मौतों का मुआवजा पंजाब मॉडल पर हो, MSP कमेटी में केवल किसान हो। और साथ ही वहीं राकेश टिकैत का भी कहना है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा और संयुक्त किसान मोर्चा की उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। जिनके ट्रैक्टर होंगे
वे भी लोग होंगे, क्योंकि ट्रैक्टर किसी के नाम होंगे, ट्रैक्टर किसी पंजाब के नाम होगा, चलाना उसको उत्तर प्रदेश में भी क्या होगा ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादातर नाम नहीं होते, उसमें 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी होंगे, वो एक टेक्निकल वो उसमें आएगा, NGT का वो भी उसमें आएगा, NGT ये चाहिए कि मेरे नॉर्म्स का पालन हो, वो एक कोर्ट है, वो कैसे उसको रिलीव करेंगे, क्या नया ट्रैक्टर देंगे या अनऑफिशियली उसको छोड़ देंगे, या वो जो तोड़ दिया ट्रैक्टर उसका क्या होगा। तो ये सब लोग बात करते हैं, अपनी इकट्ठी रहते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं अपनी, जिसको जो नीचे जो जानकारी होती है वो बात करते हैं, 5 कमेटी के सामने अभी ना कहो, तुम पहले ना घोषणा करो, आज सरकार की तरफ से पहले ना घोषणा करो। तो ऐश्वर्या, क्यों ये प्रतिबंध है क्या ये, या जो अनाज खाते हैं वही वो बगैर ट्रैक्टर के पैदा होता है, कोई भी काम होगा या ट्रैक्टर से इतनी एलर्जी है, ये सरकारों को सोचना चाहिए। और जी ये किस ट्रैक्टर से नहीं, ये किसान से एलर्जी है इनको, इनको किसान वही चाहिए कि अन्य भाई पूरे देश को कुमा कुमा का खुआ हो जा, उसके हाथ कुछ ना लगे, ये नहीं चलेगा। किसान अपने मान सम्मान के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा, और किसान का भी अगर मान सम्मान सरकार रखेगी तो सरकार का भी ध्यान किसान रखेगा। सरकार जो बात कर रही है किसान से, थोड़ी सी मुँह फेर कर बात कर रही है, अगर सरकार किसान से सामी बैठा के टेबल पे बैठ के, हमारे जो चौधरी साहब हैं नेताजी, अगर सामी बैठ के बात हो जाए, आँख से आँख भिड़ाकर अगर बात हो जाए, तो वह बात ही बहुत प्यार की होगी और बहुत अच्छी बात होगी। किसान तो 19 तारीख का ही खुशी खुशी मना रहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री बैठा कर थोड़ा सा ये अभी तो हमारे जो नेता हैं टेबल पे बैठ के 2-4 बात हो जाए, कानून जो सरकार ने बनाया ये मुकदमे लग रहे, MSP नहीं मिल पा रही, और बहुत ऐसी 2-4 जो चीज़ें हैं, तो बहुत हड़वी चीज़ है ना, सरकार बैठ कर ही ना भी निर्णय ले लो अपना। देखिए, दो शब्द होते हैं, नीयत और नीति। जिसकी नीयत साफ होती है वो अपनी नीति में सफल हो जाता है। सरकार की नीयत अभी साफ नहीं है, वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ, अब जैसे यही है, अब वो समिति बना रही है किसान यूनियन के लिए, जो आपकी जो है MSP के लिए, उसमें कह रही है कि भाई अदर जो दूसरे हैं उनको भी जो है सम्मिलित करेंगे। भाई एक बात तो सुनो, मेहनत तो हमने की साल भर से, प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, आंदोलन हम कर रहे हैं, और वे आके कोई जो है पकी पकाई में, यानी हमने खीर पकाई, और खीर पकाई में पकी पकाई में कोई चोंच मार जा तो हम चोंच क्यों मारने देंगे भाई उसे जो है। आज CCN न्यूज़पेपर को सफलता के 7 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष में गीता कॉलोनी ऑफिस में हवन किया गया और केक काटा गया। इस मौके पर CCN न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्विनी चौहान ने कहा कि हम अपने सभी पाठकों को धन्यवाद देते हैं, CCN न्यूज़पेपर यमुना पार और पूरी दिल्ली की शान बन चुका है और सबके दिलों में अपनी जगह भी बना चुका है। हम पहले दिन से हर एक छोटी से छोटी क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करते आए हैं, जिसके लिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे और इलाके की जो भी समस्या होगी उसको उजागर करते रहेंगे। हम CCN न्यूज़पेपर के माध्यमों से अपील भी करते हैं कि आप अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हमारे कार्यालय में आकर मिल भी सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। CCN न्यूज़पेपर की तरफ से सफलता के 7 साल पूरे होने पर सभी पाठकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम इस मुकाम पर पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं CCN न्यूज़पेपर सब अपने क्षेत्र की सभी छोटी छोटी समस्या को उजागर करता है, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप भी अपनी अपने आसपास की कोई भी समस्या हो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डे फर्स्ट से ही हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि लोगों की समस्या जो भी हो, जो आसपास उनके जो शासनिक और प्रशासनिक किसी भी तरीके की समस्या हो, हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी ने BJP पर हमला बोला है। आप विधायक अतिशी ने कहा है कि ईस्ट MCD ने कई मंदिरों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने की बात कही है, अगर टैक्स को जमा नहीं किया जाता तो मंदिरों को सील करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ MCD में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि दिल्ली सरकार पिछले 7 सालों से लोगों को मूर्ख बना रही है और किए वादों को पूरा तक नहीं किया है, ना ही स्कूल बनवाए हैं, ना अस्पताल है और ना ही सड़कें, साथ ही नई आबकारी नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही कहा कि
आप नेता जनता को गुमराह करते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि आपके पास जनता के बीच जाने का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। कल एक आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम धार्मिक स्थलों पर हाउस टैक्स लगा रही है। ऐसे स्थान पर हमारा एक्ट बोलता है, डीएमसी एक्ट बोलता है कि ना पहले कभी उस पर हाउस टैक्स लिया गया है, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, सिर्फ किसी षड्यंत्र के नाते इन्होंने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए और फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए। ऐसी कोई बात होती तो आप सब लोग भी कवर करते हैं। कभी भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल से ना हाउस टैक्स लिया है, ना ले रहे हैं, ना लेंगे। उन्होंने पता नहीं किस उसमें वाली बात कही है, कोई सदन में पास नहीं हुआ, कोई स्टैंडिंग कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं आई। उनके भी निगम पास बैठते हैं, केवल लोगों की भावना को भड़काना, उनको बगलाना, गलत बात करना, ये उनका उद्देश्य रह गया है। मैं फिर कहता हूँ कि ना हमने कभी टैक्स लिया है, ना कभी लेंगे। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में कई गंभीर समस्याओं को लेकर डीसीपी शाद्रा ने आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग की, जिसमें कई समस्याओं पर चर्चा की गई। डीसीपी ने पार्किंग एरिया में की जा रही लापरवाही पर भी चर्चा की। दरअसल शराब पीकर लोग बोतल को पार्किंग में ही फेंक देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और बदबू भी आती है। आगे क्या कुछ कहा डीसीपी आर सत्य सुंदरम ने, सुनिए आप। हाँ जी, हमारा विवेक विहार थाने का जो दो एरिया है, ज्वाला नगर, कस्तूरबा नगर, मुकेश नगर, इसी एरिया का जो आरडब्ल्यू के साथ हमने जो मीटिंग का अरेंजमेंट करके आज मीटिंग किया है। इस इलाका का कई सारे समस्या है, खासतौर पर जो पार्क में कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, रात में जो चोरी होती है, उसके अलावा इंक्रोचमेंट है, पार्किंग का इशू है खासतौर पर। उसके अलावा जो यहाँ का जो लोग ने बताया, पुलिस का और भी प्रेजेंस का ज़रूरत है, विजिबिलिटी का ज़रूरत है, उसी को भी हमने नोट किया है। और भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी रात में वो ज़रूरत है, वो भी हमने नोट किया है। ये सारे समस्या को हम ध्यान में रखते हुए हमारा जो पुलिसिंग है उसका और हम सुधार लाएंगे, लोगों का सुरक्षा को हम इंश्योर करेंगे। एक तो लाइट का समस्या है, ये कई सारे रोड्स है, डार्क स्पॉट हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। एक दिन पूरा हम थाने में हमने टास्किंग करके कम से कम 48 जहां हमने आइडेंटिफाई करके एमसीडी को पीडब्ल्यूडी को हम लिख चुका है, उसी जगह पे अपना जो लाइटिंग्स बढ़ाई है। ये तो हमारा कंटिन्यूस लगातार एक्टिविटीज़ वो चल रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक ड्रिंकिंग है ये बिल्कुल मना है, ये इसके खिलाफ पुलिस काफ़ी सख्त कार्रवाई कर रही है, और भी कार्रवाई का ज़रूरत है। ये जो एक्साइज एक्ट में इसका कानून में जो कलम है उस हिसाब से जो 40 एक्साइज एक्ट है, 40 एक सेक्शन है। गांधीनगर विधानसभा में घरों में पीएनजी गैस पाइपलाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। दरअसल ये जानकारी बीजेपी एमएलए अनिल वाजपेयी ने दी। उन्होंने कहा कि मैं जब से चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने मुझसे गांधीनगर विधानसभा में पीएनजी गैस पाइपलाइन डलवाने की बात कही थी, जिसको लेकर मैंने पेट्रोलियम व खाद्य गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की, जिसके बाद तुरंत इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों को गांधीनगर में तुरंत पीएनजी गैस पाइपलाइन डालने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि ईस्ट और वेस्ट आजाद नगर, शंकर नगर और साथ ही एक्सटेंशन गांधीनगर, राजगढ़ एक्सटेंशन, कैलाश नगर, शास्त्री पार्क में भी काम शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे मैं माननीय मंत्री जी से मिला, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए और मेरे सामने चेयरमैन साहब को फोन टेलीफोन कॉल की और बोले गांधीनगर के अंदर गैस पाइपलाइन पड़नी चाहिए। मेरे यहाँ सर्वे शुरू हो गया है और 9 सिलेक्टेड जगह अभी हमने छाटी है, जिनमें से ईस्ट आजाद नगर, शंकर नगर, वेस्ट आजाद नगर, शास्त्री पार्क, कैलाश नगर, कांति नगर, और जहाँ 10-8 फुट से बड़ी गलियां होंगी उनमें भी सब में सीएनजी गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ डाली जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत खोले गए शराब के ठेकों में कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी दौरान कांतिनगर वार्ड में ईडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन
वीर सिंह पवार और डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा और निगम के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे, जिस दौरान देखने को मिला कि कांतिनगर में शराब के ठेकों में निगम के कानून का पालन नहीं हो रहा, जिस दौरान दोनों शराब के ठेकों पर नोटिस चिपकाए गए हैं और जल्द ही दोनों ठेकों को सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिहायशी भी है और मेन रोड पे शराब का ठेका खुला है, ऑन कमर्शियल रोड है, आप देखें सर टोटल वायलेशन है इसका। और यहाँ के जो पार्षद हैं बार बार उनके बोलने के बावजूद भी ये मालिक यहाँ ठेका खोल रहा है, तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट एजेंसी का आ जाए हुआ है। 6 पॉइंट हमने दिए, 6 पॉइंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इनके केस जो भी कार्रवाई बनती है तुरंत ठेका बंद करने की, जो भी कार्रवाई बनती है ये ठेका बंद होगा, क्योंकि हम पब्लिक की डिमांड यही है और ईडीएमसी इसके लिए तत्पर है। ये कांतिनगर वार्ड में जो दूसरा शराब का ठेका खड़ा हुआ है एक रुपये, उसके जो यहाँ पे नोटिस चिपकाया जा रहा है, ये भी शराब का ठेका सील होगा। ये जितनी सीढ़ियाँ हैं ये भी अनऑथराइज हैं, अवैध हैं, और इनके भी कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से कांतिनगर वार्ड में एक भी शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव इलाके में एक लड़का अपने जन्मदिन पर घर के पास की मार्केट से केक लेने जा रहा था, तभी 4 बदमाशों ने रास्ते में उसे धर दबोच लिया। 2 बदमाश ने उसके हाथ पकड़े जबकि 2 ने जेब की तलाशी ली। बदमाशों ने लड़के की जेब में रखे 500 रुपए और मोबाइल छीन लिया। लड़के ने काफी विरोध किया, विरोध के दौरान बदमाशों ने लड़के पर ब्लेड से गर्दन काट दी और चेहरे पर शरीर पर वार किया। लड़का लहूलुहान हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। लड़का एक पर टूट पड़ा और बाकी के 3 बदमाश पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उस पर बदमाश को पकड़ लिया और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नहीं, बेटा मेरा उसका बर्थडे था, वो केक लेने जा रहा था, रास्ते में 4 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2 ने उसके हाथ पकड़े थे, एक ने उसके ब्लेड मारा है और जी एक ने उसकी तलाशी ली है। तलाशी में एक पर्स था, उसमें कुछ पैसे थे उसके, और ब्लेड मारा एक, फिर 3 उसे लड़के ने हल्ला मचाया कि बचाओ बचाओ, उसमें 3 लड़के भाग चुके थे। मेरे बेटे ने उसको मौके पर ही एक को जबोत लिया था और उसको खींच के ले आया, फिर उसको बुलाया, फिर एक पड़ोसी ने मेरे पास फ़ोन करा कि आपका बेटे के ब्लेड मार दिए, आप आइए। फिर मैं मौके पहुंचा, मौके पर वो लड़का पकड़ लिया था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म करी, पुलिस वहाँ आ गई थी और उसको ले गया। फिर हम बेटे को GTB हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका उसका ट्रीटमेंट हुआ। बेटे के कहाँ पे ब्लेड मारा है? ब्लेड बेटे के एक तो गाल पे ब्लेड मार रखा है, एक गर्दन में मार रखा है, 2 पीछे साइड में मार रखे हैं और एक होठ के नीचे भी उनका ब्लेड मार रखा है, जो कि टाके से बहुत टाके आए हुए हैं उसके। कितने साल का आपका बेटा? मेरा बेटा 16 साल का है, 10th क्लास में पढ़ता है। पहचान यही है कि जब पुलिस ने पकड़ा, उसका रिमांड लिया और उसके रिमांड लेने पर वो हंगा कि मैं सादरे का सर्कुलर रोड का रहने वाला हूँ। उसका फिर रिमांड लिया, रिमांड लेने के बाद उसने वो 3 लड़के थे उनको भी हांग गया। हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस ने अच्छा काम किया। परपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में कुछ दिन पहले परपड़गंज औद्योगिक पुलिस क्षेत्र के देवदत्त गोयल नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके गोदाम में इलायची के 119 बैग थे जो कि बरेली ले जाने के लिए रखे गए थे, जिसकी लागत 72 लाख रुपए थी। देवदत्त गोयल ने सामान नेमा सिंह ड्राइवर को बरेली ले जाने के लिए दिया था। जब वह सामान बरेली नहीं पहुंचा तो उसने पूछताछ की, तो उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया और साथ ही पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसके बाद छानबीन शुरू की गई। तो पुलिस को पता लगा कि नेमा सिंह ने 5 बैग किसी को दे दिए हैं और जल्द पैसा कमाने के चक्कर में बाकी बचे पैसों का गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता था। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मामले की संपत्ति के साथ उसका ट्रक बरामद किया। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र में नवनिर्मित फिक्स कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली को पूरी तरह से ढलाव मुक्त बनाने की राह में तेजी से अग्रसर है और अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद क्षेत्र में फिक्स कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन लगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि 40 लाख रुपए की लागत लगी है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम कूड़े के ढलाव को समाप्त कर रहा है। इस मौके पर विधायक, महापौर सहित निर्माण समिति के अध्यक्ष और कई मंत्री मौजूद रहे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।